हेलो दोस्तों, मैं हूं तुहिन और आप देख रहे हैं हाईटेक ब्रो। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पांच सबसे अच्छा नेक बैंड 1000 रुपये के अंदर। अगर आप एक नया नेक बैंड लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कौन सा नेक बैंड आपके लिए बेस्ट होने वाला है 1000 रुपये के अंदर। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो नेक बैंड हमारे लिस्ट में है वो पोट्रॉनिक की तरफ से है। उसका नाम है पोट्रॉनिक हार्मोनिक G5। आपको ऐसा मिलता है 33 घंटे का प्लेबैक टाइम और ये आता है टाइप सी फास्ट चार्जिंग के साथ, जिससे कि आप 10 मिनट चार्ज से के 10 घंटे का प्लेबैक ले सकते हैं। और आपको ऐसा मिलता है लाइट वेट और कंफर्टेबल डिज़ाइन। और ये नेकबैंड आता है 14.2 mm का डायनेमिक ड्राइवर के साथ और ये सपोर्ट करता है डुअल इक्वलाइजर मोड और आपको ऐसा मिल जाएगा ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट। अब प्राइस के बारे में बात करें तो पोट्रॉनिक का ये नेकबैंड आपको मिल जाएगा 700 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अगर आप पोट्रॉनिक का ये नेकबैंड खरीदना चाहते हैं और हमारे लिस्ट में दिखाए गए किसी भी और नेकबैंड के बारे में चेक करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो उन सबका बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे दी हुई लिंक से खरीदते हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है ऐसी और ये वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको कोई भी नेकबैंड चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। अब इसके बाद जो नेकबैंड है वो कोस्टर की तरफ से है। उसका नाम है कोस्टर मेटा बैंड चैंपियन LE01। आपको इसे मिलता है 120 घंटे का रन टाइम और इसको फुल चार्ज करने में 2 घंटे का समय लग सकता है और इसे सपोर्ट करता है अल्ट्रा फास्ट टाइप सी चार्जिंग को, जिससे कि आप 10 मिनट चार्ज देके 10 घंटे का प्लेबैक ले सकते हैं। और इस नेकबैंड में आपको 10 mm का ड्राइवर मिलता है और ये आता है मैग्नेटिक ईयरबड के साथ। उसके साथ आपको इसमें सॉफ्ट सिलिकॉन नेकबैंड मिलता है और ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ 5.3 और वॉइस रेजिस्टेंट को। उसके साथ आपको इसमें IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट भी मिल जाएगा। अब प्राइस के बारे में बात करें तो कोस्टर का ये नेकबैंड आपको मिल जाएगा 900 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो नेकबैंड है वो इन्फिनिटी की तरफ से है। उसका नाम है इन्फिनिटी JBL ग्लाइड 120। आपको इसे मिलता है 12 mm का ड्राइवर जो कि आता है डुअल इक्वलाइजर मोड के साथ। उसके साथ आपको इसे मिलता है डीप बेस और ये आता है 7 घंटे का बैटरी लाइफ के साथ और बिल्ट इन माइक्रोफोन जो कि सपोर्ट करता है वॉइस असिस्टेंट को। और ये नेकबैंड आता है IPX5 का वाटर रेटिंग के साथ और आपको इसे मिलता है मैग्नेटिक ईयरबड और ब्लूटूथ 5.0। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इन्फिनिटी का ये नेकबैंड आपको मिल जाएगा 1000 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो नेकबैंड है वो बोल्ट ऑडियो की तरफ से है। उसका नाम है बोल्ट ऑडियो FX चार्ज। आपको इसमें मिलता है 14.2 mm का ड्राइवर और ये आता है सॉफ्ट सिलिकॉन बैंड और इनलाइन कंट्रोल के साथ और ये सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलिंग। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिल जाएगा 32 घंटे का प्लेबैक टाइम और ये आता है टाइप सी फास्ट चार्जिंग के साथ, जिससे कि आप 5 मिनट चार्ज से के 7 घंटे का प्लेबैक ले सकते हैं। और इस नेकबैंड में आपको IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। उसके साथ आपको इसमें ब्लूटूथ 5.2 और फास्ट पेयरिंग मिल जाएगा। अब प्राइस के बारे में बात करें तो बोल्ट ऑडियो का ये नेकबैंड आपको मिल जाएगा 1000 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद हमारी लिस्ट का नंबर 1 नेकबैंड बताने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो 1 लाइक जरूर कर देना। और अगर आप आगे भी हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हाईटेक प्रो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्रिप्शन एकदम ही फ्री है। अब इसके बाद जो नेकबैंड है वो बोट की तरफ से है। उसका नाम है बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस। आपको इसमें मिलता है 40 घंटे का प्लेबैक टाइम और ये आता है ASCP चार्जिंग के साथ, जिससे कि आप 10 मिनट चार्ज देके 10 घंटे का प्लेबैक ले सकते हैं। और ये नेकबैंड आता है 10 mm का ड्राइवर और आपको इसमें मिलता है डुअल पेयरिंग मैग्नेटिक ईयरबड और ये सपोर्ट करता है वॉइस असिस्टेंट को, जैसे कि गूगल सिरी। और आपको इसमें मिलता है IPX7 का वाटर रेजिस्टेंट और ब्लूटूथ 5.0। अब प्राइस के बारे में बात करें तो बोट का ये नेकबैंड थोड़ा सा महंगा है। आपको ये नेकबैंड मिल जाएगा 1100 रुपये के अंदर, लेकिन सेल के समय आपको ये नेकबैंड 1000 रुपये के अंदर मिल जाएगा और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब सबसे आखिर में बात करें कौन सा नेकबैंड आपको लेना चाहिए। अगर आप 1000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा साउंड क्वालिटी और लंबा बैटरी लाइफ चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए बोट का नेकबैंड। आपको इसमें अच्छा साउंड क्वालिटी के साथ 40 घंटे का बैटरी लाइफ मिलता है। उसके साथ आपको इसमें ASCP फास्ट चार्जिंग मिलता है और IPX7 का वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो अगर आप एक ऐसा नेकबैंड लेना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छा साउंड और लंबा बैटरी लाइफ मिले तो आपको लेना चाहिए बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस। लेकिन अगर आपको बोट का साउंड उतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आपके पास और एक ऑप्शन है, जो कि है बोल्ट ऑडियो का नेकबैंड। आपको इसमें मिलता है 14.2 mm का ड्राइवर जो कि आपको अच्छा खासा साउंड और बेस देता है। उसके साथ 32 घंटे का प्लेबैक टाइम
और ये भी सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को और ये सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलिंग को। उसके साथ IPX7 का वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो अगर आप 1000 रुपये के अंदर एक ऐसा नेकबैंड लेना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छा साउंड क्वालिटी के साथ लंबा बैटरी लाइफ और इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलिंग मिले तो आपको लेना चाहिए बोल्ट ऑडियो का FX चार्ज। तो यही था लिस्ट का 5 सबसे अच्छा नेकबैंड 1000 रुपये के अंदर। आपको इन सारे नेकबैंड्स का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके किसी भी नेकबैंड को चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप 1500 रुपये के अंदर सबसे अच्छा नेकबैंड खरीदना चाहते हैं, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप वहाँ पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताइए कौन सा नेकबैंड आपको बेस्ट लगता है 1000 रुपये के अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आप सबसे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।